गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अर्पिता आर्य। आज हम लोग एनडीए की एक नए टॉपिक स्टार्टिंग कर रहे हैं सत्र। तो आज सत्र की हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग सर्किल की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, ठीक है। सर्किल किसका टॉपिक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक हैं कंबाइंड वे में, वो कौन कौन से टॉपिक हैं पहले देख लेते हैं। जैसे कि सर्कल है, उसके बाद पैराबोला है, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं हम इसमें, स्ट्रेट लाइन भी इसका एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जितने भी टॉपिक हैं वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर और स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अगर स्ट्रेट लाइन का आइडिया आपको नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए और फिर उसके बाद हम लोग ये सारे जितने भी टॉपिक हैं इनको कवर करेंगे। तो ये ध्यान देना है इसमें कि जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन के वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन है, इन सब चीज़ों का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये वाले सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर? सर्किल पर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सर्किल है क्या, सर्किल की डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर। तो सर्किल सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज सर्किल, ठीक है, सर्किल किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल में भी कई तरह की इक्वेशंस होती है ना। एक तो होता है सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। एक होता है इसका जनरल फॉर्म, एक होता है डायमेट्रिक फॉर्म, और एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो दीज आर द इक्वेशंस, all kind of equations of the circle which is represent on the 2D plane, ये कह सकते हैं कार्टिशियन प्लेन, ठीक है। तो ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशंस की हम बात करने वाले हैं और उसके डिफिनेशन की बात करने वाले हैं जो कि एक टू डायमेंशनल फिगर पे प्लॉट किया जाएगा, ये कह सकते हैं टू डायमेंशनल प्लेन पे प्लॉट किया जाएगा और वो अकॉर्डिंग टू कार्टिशियन प्लेन होगा, ठीक है। इसका ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सर्किल होता क्या है, ठीक है, उसकी डिफिनेशन क्या है, पहले इसको देखते हैं फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे जो पहला और बेसिक पॉइंट है वो यही है कि सर्किल होता क्या है। तो देखिए, सर्किल एक 2D फिगर है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। और अगर मैं बात करूँ कि सर्किल की डिफिनेशन के बारे में, सर्किल की अगर डेफिनेशन के बारे में बात किया, तो देखिए सर्किल है क्या। सर्किल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ये पॉइंट पी है मान लीजिए, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है ए मान लीजिए आप, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मान लीजिए इसको आप ले सकते हैं ए एंड बी, और इसको ले सकते हैं एक्स एंड वाई, ऐसे ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है ये एक तरह से ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये कह सकते हैं एक कांस्टेंट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और ये एक वेरिएबल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट इन द सेंस कि ये लगातार चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये ट्रैवल करेगा, मतलब कि कभी ये यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, ठीक है, कभी यहाँ पर हो सकता है,
कभी इधर हो सकता है, कभी इधर हो सकता है, तो इस तरह से ये मूव करेगा। लेकिन जब ये मूव करेगा तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस सेंटर के साथ वो हमेशा फिक्स्ड होगी, और इसको हम आर कह सकते हैं। यहाँ पर भी आर होगी, यहाँ पर भी आर होगी, और यहाँ पर भी आर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, या कह सकते हैं मूविंग पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये एक निश्चित, या कह सकते हैं इसके सेंटर से, ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है हम यहाँ पे इसको सेंटर कहेंगे, और यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देनी है हमें कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर होगा, इस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है, ये हमारी रेडियस है। तो रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट। अब अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कि सर्किल की जो कॉन्सेप्ट है वो आखिर कैसे हमें समझने हैं, तो सर्किल में दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए दो ही चीज है जो सर्किल में हमें ध्यान रखनी है, वो केवल दो चीजें कौन कौन सी हैं, पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर, एंड रेडियस। तो जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो केवल सेंटर और रेडियस से ही। तो रेडियस को हम लोग यहाँ पे आर से दिखाते हैं, और इस टॉपिक में इसके सेंटर्स को हम लोग इससे दिखाते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। तो ये सर्किल के सेंटर्स हैं, खैर ये क्या है, किस तरह से आए हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे इसकी वैल्यू ए और बी है, तो ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि जी और एफ में कैसे कन्वर्ट होता है, सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया, और अगर मैं बात करूँ इस सर्किल की डिफिनेशन के बारे में, तो सर्किल की अगर डिफिनेशन आपको लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हैं, और इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग केवल अपने नॉलेज के लिए है, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है कंप्लीशन में, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है मैं यहाँ पे सबसे पहले, तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, है ना। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी है आपको तो आप लिख सकते हैं, सर्किल सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, ठीक। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे।
देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको ये बात बताई कि सर्किल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रेडियस और सेंटर। तो आप ये मान लीजिए कि इसके जो सेंटर हैं ये ए कॉमा बी है और ये जो मूविंग पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई है जो कि वेरिएबल है और ये लगातार चेंज होता जाएगा। तो आप इसको ए मान सकते हैं, इसको पी मान सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले फिगर में मारा था। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाए, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस ये अगर आर है तो आप बताइए आर स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका अंडर रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन तो जो पहले लिखी थी वही थी अपनी, ठीक। इक्वेशन तो अपनी यही हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ना। इसको बोला जाता है सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो ये जो सर्किल की इक्वेशन है ये सेंटर रेडियस फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें सेंटर और रेडियस का इस्तेमाल किया गया इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्मेट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए अगर इसमें मैं एक पॉइंट आपको देता हूं, इसमें अगर हम लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हूज सेंटर इज माइनस वन कॉमा टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हूज माइनस वन कॉमा टू। The radius is 3 units. ठीक है, अब मुझे एक ऐसे सर्किल की क्वेश्चन बतानी है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसके सेंटर माइनस वन कॉमा टू। तो अगर मैं इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करूं तो आप बताइए r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस मतलब सेंटर माइनस x, है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। तो आप देखिए सेंटर तो अपने आप से यहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर मैं सेंटर लिखता हूँ माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है, तो आप इसको x ऐसे लिख लीजिए, आप माइनस वन यहाँ पे डालिए, ठीक है। वो सेंटर अगर दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको x माइनस ए भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यह आ जाएगा नाइन इक्वल टू x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस ए का होल स्क्वायर बात नहीं है, आंसर बन जाएगा। ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया, इस तरह से ये सबसे इसका बेसिक फॉर्मेट है और इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी की जो इसकी इक्वेशन है जिसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हैं, तो देखिए इक्वेशन क्या बताती है हमें, इक्वेशन ऑफ सर्किल का मतलब है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस है इसकी, एक्चुअली मैम इसी की तो इक्वेशन निकाल रहे हैं क्योंकि इसका पॉइंट जो है वो लगातार
चेंज हो रहा है, लगातार वेरिएबल की तरह बदल रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है पॉइंट लगातार इसमें मूव करेगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, तो इसकी एक इक्वेशन आएगी और वही इक्वेशन सर्किल की रेडियस, सर्किल की सेंटर रेडियस इक्वेशन कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं इसके अलावा भी जो भी फॉर्मेट है वो भी इसी से निकल के आते हैं, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया इसी से ही निकल कर आएंगे सारे दूसरे भी। अब हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की, हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की। तो सर्किल की जरा जनरल इक्वेशन को देखते हैं कि आखिर सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे भी लिखा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, इस टाइप से आ जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे कांस्टेंट को उधर भेजा जाए तो आप बताइए कितना आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर पर एक साइड लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसके बाद 2ax माइनस 2by, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का, यहां पे अगर मैं आर स्क्वायर लिखूं तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा अपने पास कितना, जीरो। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसी इक्वेशन में थोड़ा सा अगर मैं मैनिपुलेट कर दूं उसको, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि अभी इसका जो फ्रेम है वो बहुत प्रॉपर नहीं है, है ना, देखने में बहुत आसान नहीं लग रही है, थोड़ा सा देखने में टफ समझ में आ रही है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और बैलेंस कर दूं, मतलब एक सही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो काफ़ी बैलेंस और देखने में काफ़ी ठीक ठाक लगेगी अपने को। तो इसको अगर चेंज किया जाए तो आप देखिए, अगर यहाँ पर चेंज किया जाए तो क्या किया जाए, इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट तो एक कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस ए को रिप्लेस कर दिया जाए अगर जी से, और माइनस बी को रिप्लेस कर दिया जाए एच से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जी और एच के हिसाब से काम किया जाए तो देखिए a और b की वैल्यू क्या आएंगे, फिर माइनस जी माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस जी माइनस एच ऐसे लिखे जाएंगे। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जो सेंटर है वो माइनस जी माइनस एच होता है। उसके बाद जब मैं इसको यहाँ रखूँगा तो यह आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पे हमें, अब देखिए ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गई है, प्रॉपर एक तरह से जनरल इक्वेशन आ गई है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये अपने पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गई, जिसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि इनको हमें किस तरह से रिप्लेस करना है। और यहाँ पे जो सी की वैल्यू मैंने लिखी है, सी की वैल्यू क्या लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने में कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और अगर मैं इसी से आर स्क्वायर निकाल दूं तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, और आर इक्वल टू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, तीन कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं सर्किल की। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी बनती है, अगर यहाँ पे रूट
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है तो एक सर्किल बनेगा, एक प्रॉपर रियल सर्किल बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए तो बताइए रेडियस जीरो हो जाएगी, और रेडियस जीरो हो जाएगी अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाए तो आर जीरो हो जाएगा और ये यहाँ पे सर्किल जो है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अगर रेडियस जीरो हो जाएगी तो सर्किल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो एक इमेजनरी सर्किल बनेगा, एक इमेजनरी सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई। देखिए आप फिर इसके आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ये ध्यान देनी है हमें कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और h इक्वल टू जीरो होगा। सर्किल के केस में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा, ठीक है, या कह सकते हैं इक्वल होगा, नॉट वन, ठीक है, इक्वल होगा, बस इतना समझ लीजिए। चलिए तो यहाँ पे इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर ए देखा जाए तो ए हो जाएगा ये माइनस जी और बी हो जाएगा माइनस एच, ठीक। उसके बाद एक बात ये भी समझनी है हमें, एक बात मैंने आपको बता दी कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा हमेशा कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये सर्किल की मेन कंडीशन है, इसको ध्यान देना है। एक बात इसमें और समझनी है हमें, देखिए ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आर जो है वो रेडियस है, और अगर कभी भी रेडियस निकालना हो तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ये देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जी बराबर क्या है, अगर मैं बात करूँ जी इक्वल टू क्या है, देखिए जी बराबर होगा यहाँ पे माइनस टू ए, और h इक्वल टू क्या जाएगा माइनस टू बी। तो अगर मैं a लिखता हूँ
अगर मैं सेंटर की बात करूँ, है ना, अगर मैं सेंटर की बात करूँ, देखिए तो सेंटर की बात करें अगर, तो आप बताइए सेंटर कैसे निकाले जाएंगे। तो सेंटर अगर निकाले जाएंगे तो देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी उसका मैं बाई टू करूँगा, है ना, उसका बाई टू जी। टू अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर निकाले तो टू जी की वैल्यू फोर है तो जी क्या आएगा, फोर बाई टू, इस तरह से करेंगे ना। तो यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिए आप कि अगर मैं बात करूँ कभी भी यहाँ पे जी क्या होगा, तो आप बोलेंगे माइनस वन बाई टू और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एच की तो एच हो जाएगा वन बाई टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर कभी भी डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी मैं दूंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। Consider the circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 9 equal to 0। हमें बताना है find center and radius, हमें बात करनी है इसके find सेंटर एंड रेडियस। तो मुझे ये सर्किल की इक्वेशन दी गई है और उसमें मुझे इसका सेंटर और इसकी रेडियस बतानी है कितनी आएगी, ठीक है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे और आराम से मेरा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। सर्किल की जो भी इक्वेशन है उसमें 2g और 2f से कंपेयर करना है इसको और वहीं से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इक्वेशन क्या थी सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे जो सी है वो कितना है अपने पास, सी की वैल्यू नाइन है, टू जी की वैल्यू अपने पास चार है, टू एच की वैल्यू अपने पास सिक्स है। तो अगर जी की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो दो आएगी, एफ की वैल्यू देखी जाए तो थ्री आएगी और सी की वैल्यू देखी जाए तो नाइन आएगी। तो ये अपने पास ये आ गई वैल्यू। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सर्किल का सेंटर जो होगा उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेंटर होगा वो माइनस जी कॉमा माइनस एच होता है। तो ये आएगा माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, ये तो इसका सेंटर हो गया। और अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस ये होती है लेंथ और रेडियस इक्वल टू मैं बता चुका हूँ भी आपको फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है इसमें माइनस सी होता है। तो ए स्क्वायर कितना आएगा, देखिए ए स्क्वायर आएगा कितना फोर, बी स्क्वायर आएगा नाइन, ये माइनस नाइन ये कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा दो। तो ये मेरी रेडियस आ गई है इस क्वेश्चन की, ठीक। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी कॉन्सेप्ट, देखिए छोटे बड़े क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर और उसको समझाने के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो कॉन्सेप्ट पर जिस लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है उस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें अभी तक जो भी बताया गया उसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो बनाया नहीं जा सकता है। तो उसी हिसाब से बात हो रही है कि जिस हिसाब से हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े उसी रेंज में उसी लेवल का क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो पहले उसको देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ बड़े और कॉन्सेप्ट की। और बड़े कॉन्सेप्ट तभी आएंगे जब आपको छोटी छोटी कई सारी चीजें जो है वो आपको मैं
क्लियर कर दूंगा। आज की क्लास एक तरह से बेसिक क्लास है, तो यहाँ पे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किल को लेके, बेसिक जो समझ अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर हो जाती है तो फिर बहुत आसानी से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, कई सारी क्लासेज हैं इसमें, आज तो पहली क्लास है, इसके बाद करीब 3 से 4 क्लासेज हैं, तो काफ़ी हाई लेवल तक ये टॉपिक जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग जो अपने सिलेबस को है वो प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके और कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ। अभी इस कॉन्सेप्ट को रफली मैंने समझाया था, बट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ क्या मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। देखिए, अभी मैंने इसको फाइंड किया था कि अगर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है, या उसको मैंने यहाँ पे h माना था, तो आप h मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और माइनस c अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये एक रियल सर्कल बनाएगा। ठीक है, ये एक रियल सर्कल बनाएगा। ठीक है, ये जान लेना। उसके बाद देखिए, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे f लिखिए, है ना, जो भी इससे पहले मैंने फॉर्मेट दिखाया उसका बहुत ज़्यादा अभी तक इस्तेमाल नहीं था। लेकिन अगर ध्यान देना है आपको, तो जो इक्वेशन आपको दिखाई गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने आपको 2hy लिखाया था। ठीक है, तो वहाँ पे कोई इसकी बहुत ज़्यादा खास जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको f लेके चलना है। h लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप f लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सर्किल विल बी अ पॉइंट। ठीक है, जो सर्किल है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेडियस हो जाएगी 0। और अगर रेडियस 0 हो गई तो सीधी सी बात है जो सर्किल होगा वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद अगर यही पॉइंट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये एक इमेजिनरी सर्किल होगा, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता। ये जो पार्ट था ये रूट के अंदर था और ये कभी भी इक्वल टू या कह सकते हैं लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए, इस तरह से ये यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं लिख दूँ एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या ये एक सर्किल बनाएगा, बताइए क्या इससे एक सर्किल बनेगा हमारा? यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सी है ना, और c को अगर मैं माइनस यहाँ पे इससे सॉल्व करूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a यहाँ पे 1 है, b भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस c, तो देखिए ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, तो ये यहाँ से सर्किल नहीं बनाएगा, मतलब ये एक इमेजनरी सर्किल है। ठीक, ये एक इमेजनरी सर्किल देगा, तो यहाँ पे कोई भी सर्किल नहीं बनने वाला है, ये ध्यान देना है। चलिए,
चलिए बात करते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट पे। देखिए अगर मैं आपको बात करूं, देखिए वैसे तो ये जो सर्किल है ये एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, वहाँ पे एक तरह से ये जो भी टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको बताया ये सभी एक तरह से कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। सॉरी अगर कॉनिक सेक्शन का पार्ट है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कॉनिक सेक्शन है वो उसकी क्वेश्चन क्या होती है, अगर देखी जाए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस टाइप से इक्वेशन होती है। तो मैंने आप अभी आप बता दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, यहाँ पे बी ले सकते हैं, है ना, ए और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर इस टाइप से ले सकते हैं। उसके बाद सर्किल की क्वेश्चन में ये जो एच है ये ऑलवेज क्या होता है, जीरो, और यहाँ पे ए मतलब एक ए और बी वैल्यू में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये किसके लिए, फॉर सर्किल, ओनली फॉर सर्किल, है ना, सर्किल में एच की वैल्यू हमेशा जीरो होगी और ए और बी हमेशा यहाँ पे इक्वल होंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलवेज विल बी इक्वल है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल की, अब हम लोग बात कर रहे हैं डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो देखिए डायमेट्रिक इक्वेशन सर्किल क्या होती है, जैसे डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि एक सर्किल में ले रहा हूँ और उसमें एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और ये जो डायमीटर है इसके दोनों एंड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन होंगे, और इधर ये अगर मैं मान लूँ ए और बी इसको पॉइंट कोई मान लीजिए आप ऐसे, इसको मान लीजिए E और ये पॉइंट x2 कॉमा y2 होगा और ये x कॉमा y होगा, ठीक है। अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए तो सेंटर हो जाएगा, सेंटर से निकलने वाली जो साइड होती है वो इसका डायमीटर कहलाती है। और अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो देखिए आपको एक बात ये पता होगी कि सर्किल में अगर सेमी सर्किल पर कोई भी ट्रायंगल बनाया जाए तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो आप बताइए जो साइड ए ई है क्या वो परपेंडिकुलर है ई सी पर, ठीक है, जो ए ई है वो परपेंडिकुलर होगा ई सी पर। तो मैं कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ई सी into slope of AE equal to minus 1, ये आपको पता होगा कि m1 into m2 equal to क्या होता है minus 1, दो conditions होती हैं slope की, slope की दो conditions होती हैं, जब दो line parallel हो तो condition क्या बनती है, m1 equal to m2, तो दोनों के slope equal हो जाए। और अगर मैं second condition की बात करूँ तो अगर कभी भी दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होता है, ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी ये पहले से जानते होंगे, क्योंकि अगर ये हमें आइडिया नहीं तो फिर आगे की चीज़ें बहुत आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो खैर मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। दूसरी एक बात और, अगर आपने स्ट्रेट लाइन को सही से स्टडी किया है तो उसमें आप ये भी जानते होंगे कि अगर कभी भी दो लाइनें दी गई, दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट मान लीजिए x है दूसरा y है और एक x1 y1,
या आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो इसमें जो स्लोप निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, स्लोप निकालने का तरीका होता है y1 minus y2 upon x1 minus x2, ये स्लोप होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस लाइन के स्लोप की, तो देखिए x माइनस एक्स वन है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो x माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन इन टू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा और इधर कितना आ जाएगा, देखिए इसका जब स्लोप निकालूंगा मैं इस लाइन का, तो ये x माइनस एक्स टू आएगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये चीज ऊपर होती है, ठीक है, y वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है, ध्यान देना। तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन, और यहाँ पे y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस एक्स टू इक्वल टू में कितना माइनस वन, इस टाइप से लिया जाता है। और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ और ये चीज उधर जाएगी, तो फिर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसके साथ देखा जाए, तो आप बताइए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आ जाएगा y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू, ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, बट मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यह जाएगा x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू में जीरो। ये अपनी इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, ठीक है, तो ये अपनी एक तरह से डायमेट्रिक इक्वेशन है सर्किल की। ठीक, एक मैं आपको क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसीलिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि दो पॉइंट है वन कॉमा टू माइनस थ्री कॉमा फोर, अगर मैं बात करूँ ये वाला पॉइंट, अगर मैं वन कॉमा टू मान लूँ और इसको मैं माइनस थ्री कॉमा फोर मान लूँ, और अब मैं कहूँ कि बताइए इस सर्किल का डायमीटर इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, एक तरह से डायमीटर के इंड पॉइंट्स को दिया जा रहा है, तो आप यही लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पे, ये जो पैटर्न है आप यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बताइए क्या हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आएगा, x माइनस वन इधर आएगा, y माइनस है ना, y माइनस वाई टू, ओके यहाँ पे आएगा पहले y माइनस वाई वन, तो ये y है माइनस वाई वन, ये x वन है ये वाई वन, ओके यहाँ पे टू आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा y माइनस वाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस वाई टू कितना है यहाँ पे, वाई टू है फोर, प्लस करिए उसके बाद क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही माइनस है, और बस इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू में जीरो रखेंगे, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा फाइनली तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ आगे, आप देखिए कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर है ना, और ये देखिए टू माइनस टू वाई और माइनस फोर वाई, तो माइनस का सिक्स वाई और ये प्लस का एट, यहाँ से कितना आएगा प्लस, इसको देखिए कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा और ये थ्री इंटू माइनस एक मिनट एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स एंड थ्री एक्स, तो देन टू एक्स ये आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस थ्री इक्वल टू कितना जीरो। अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगा तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई और ये एक माइनस फाइव थ्री करेंगे तो आएगा प्लस का फाइव इक्वल टू कितना जीरो। तो ये फाइनली अपना आंसर आ गया है और यही हमारी इक्वेशन है कह सकते हैं। तो ये एक तरह से डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, कैसे फाइंड किया गया है ये मैंने आपको बता दिया, इसका जो तरीका है बेसिक वो आपको समझा जा चुका है। ठीक है, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं।
हम लोग बात करते हैं इसके जो थर्ड वाला कंडीशन मैंने आपको बताई थी पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं उसको ऑफ अ सर्किट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किट, ठीक। देख जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सर्किट लिया, इसको आप थोड़ा सा एक्स और वाई क्वाड्रेंट से शो करिए, और अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके पॉइंट्स की, है ना, ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ ए कॉमा बी है और ये वाले पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी आर। फोकस किया नहीं, इतना बेकार धुंधला दिख रहा है बिल्कुल। अब सही है, ठीक हो जाता है ना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि इसको यहाँ पे मिला दिया जाए ऐसे और इसको ऐसे नीचे लिया जाए, तो आप बताइए मुझे कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये आर है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट कितना आएगा, तो देखिए आप इस तरह से पहले सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, या अगर पॉइंट नहीं आप केवल लेंथ की बात करिए, ठीक है, तो लेंथ में भी आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो आप देखिए ये जो ए है इसका मतलब है कि यहाँ से देखिए ये यहाँ तक ए है, और वाई का मतलब होगा कि यहाँ ये जो वैल्यू है यहाँ से देखिए यहाँ तक इस पॉइंट तक वाई है, ये एक्स है यहाँ तक, ये पूरा a है और ये x है, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा x माइनस a, तो ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी x माइनस a, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये वाला कितना होगा, तो आप देखिए ये वाली जो हाइट है यहाँ से तो ये b है और ये पूरा y है, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा y माइनस b, ठीक। और अगर यहीं से निकाल लिया जाए ये एंगल को, अगर मैं थीटा मान लूँ, तो आप देखिए ये जो थीटा है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो थीटा है अपना ये 360 से लेके 0 के बीच में होगा, ये कह सकते हैं 2 पाई से छोटा होना चाहिए, है ना, और बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0। तो भाई मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो ये 360 डिग्री हो सकता है, मैक्सिमम ये 360 डिग्री हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम कितना ले सकते हैं इसको, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 ले लेंगे तो ये पूरा एक तरह से ये वाली वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी, है ना, तो फाइनली 0 इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऐसा होगा नहीं, ठीक। चलिए ठीक है, तो अगर मैं यहां से आप से बात करूं कि अगर ये r है cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा होगा x माइनस a अपॉन r, तो r कितना जाएगा यहां से x माइनस a अपॉन cos थीटा, ठीक, या कह सकते हैं a की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, ठीक। उसके बाद अगर मैं साइन थीटा ये लगाता हूँ तो देखिए क्या है, वाई माइनस बी अपॉन आर, थोड़ा
इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आर की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर फाइंड कर दी। तो एक तरह से अगर मैं इसको लिखूं तो ये दोनों बराबर ही होंगे, तो मैं कह सकता हूँ x माइनस a अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस b अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई है किसकी, पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस इज आवर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किट। तो इस तरह से ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन आ चुकी है। तो बस आपको भी ध्यान देना है कि अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कितना रहेगा, a प्लस ठीक है, a तो यहां तक था है ना, यहां पे अगर आना है तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, a प्लस वहां से देखिए r cos थीटा आएगा, और a प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो गया आपके पास x और y की वैल्यू। आप चाहे तो x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वो याद डाल सकते हैं, ठीक है, वो यही आएगा इसी तरीके से करेंगे। इस तरह से ये हमने इसको कंप्लीट किया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्किल, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्किल, इंटरसेप्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक। हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्किल। इंटरसेप्ट यहाँ पे तीन चार, इंटरसेप्ट का मतलब होता है x और y पे सर्किल कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा, ये कह सकते हैं कितना इंटरसेप्ट काटेगा। तो पहला जो फिगर बनेगा इसमें ये बनेगा, जैसे ये x और y कोऑर्डिनेट है, तो पहला जो तरीका है उसका यू देगा सर्किल। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये एक तरह से x इंटरसेप्ट है और ये यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट। दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, ये आप देखिए यहां पे x इंटरसेप्ट विल बी जीरो और यहां पे ये है y इंटरसेप्ट। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए y इंटरसेप्ट भी जीरो है और x इंटरसेप्ट भी जीरो, क्योंकि ये y और x पे कुछ भी काट नहीं रहा, टच कर रहा है। उसके बाद चौथी कंडीशन क्या आएगी,
तो देखिए यहाँ पे x और y में क्या होगा, x और y में क्या होगा, यहाँ पे कहीं पर भी या तो टच कर रहा है ना, x इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट आर नॉट डिफाइंड इन दिस केस। तो इस तरह से ये हमारे इंटरसेट फॉर्म है। अब मैं आपको अगली क्लास में इनको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि इनमें क्या कंडीशंस हैं जो हमें सीखनी है, क्या है जो हमें इसमें पढ़ना है, इंटरसेट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दे दिया, अगली जो क्लास होगी वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसका आप प्रॉपर रिविजन कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास में आपको ये प्रॉपर समझ में आए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और जो पिछले जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए, जो इक्वेशंस और डेफिनेशन बताई गई हैं सब्जेक्ट की, वो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। चश्मा।